सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में बात करने वाले हैं जिसको ना किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत है और ना ही किसी और चीज की। आज हम लोग बात करेंगे वन एंड ओनली दानिश भाई के बारे में। गाइस, इस बंदे का यूनिक स्टाइल, बिंदास एटीट्यूड और धासु पर्सनालिटी की वजह से इन्होंने बहुत ही कम टाइम में करोड़ों लोगों के दिलों में अपने लिए बहुत ही खास जगह बना ली थी। तो आज हम लोग दानिश भाई के ही कुछ ग्रूमिंग और स्टाइलिंग सीक्रेट्स के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और जानते हैं दानिश भाई के ग्रूमिंग और स्टाइलिंग सीक्रेट्स के बारे में। तो गाइस, नंबर वन पे है द कलर गेम। रूट्स दानिश भाई कपड़ों के कलर गेम में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे। जहां पे हम लोग की सोच ब्लैक, व्हाइट और ग्रे कलर के आउटफिट्स पे आके रुक जाती, हम लोग को इससे आगे कुछ दिखाई नहीं देता, वहीं पे दानिश भाई जो है बहुत सारे कपड़ों के कलर्स और शेड्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया करते थे, जैसे कि मिलिट्री ग्रीन, पिंक हो गया, स्पोर्ट्स ब्लू हो गया, ऑरेंज, इतने सारे कलर्स के साथ वो खेलते थे ना, और शेड्स के साथ जितने कि मैं अभी इस वीडियो में नाम भी नहीं ले पाऊंगा। और उनका एक यूनिक स्टाइल था कि वो टॉप वेयर और बॉटम वेयर आउटफिट का कलर मैच करके पहनते थे बहुत सारे केसेस में। जैसे कि आप इमेजेस में देख पा रहे हो, वो बहुत सारे टॉप वेयर और बॉटम वेयर आउटफिट्स को मैच करके पहनते थे, जो कि उनका यूनिक स्टाइल था और जो कि उनमें बहुत ज्यादा सूट भी करता था। काश ही हम पे भी सूट करता। सो द नंबर वन थिंग दैट वी कैन लर्न फ्रॉम दानिश भाई इज द कलर गेम। सो ब्रोज, नंबर टू पे है द कुर्ता लवर। गाइस, आपको पता है कि नहीं, ये मेरे को नहीं पता, लेकिन दानिश भाई जो है बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कुर्ताज को पहनना पसंद करते थे, जो कि टॉप और बॉटम डिजाइन में अलग अलग हुआ करते थे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। गाइस, जहाँ पे हम लोग ट्रेडिशनल वेयर्स को आउटडेटेड और बोरिंग आइटम समझते हैं, वहीं पे दानिश भाई ने कुर्ताज को अपने स्टाइल से पहना, अपना उसमें एक स्टाइल स्टेटमेंट ऐड किया, अपना एक तड़का उसमें ऐड किया, जिसमें कि वो बहुत ज़्यादा जचा भी करते थे। यार, इससे हम लोग को ये सीखने को मिलता है कि आउटफिट मायने नहीं रखता, इंसान का एटीट्यूड मायने रखता है। अगर आपका एटीट्यूड फायर वाला होगा ना, तो आप ट्रेडिशनल वेयर्स में भी आग लगा सकते हो, आप किसी भी टाइप के आउटफिट में आग लगा सकते हो। सो ब्रोस, अब बात कर लेते हैं हम लोग दानिश भाई के शूज की। गाइस, दानिश भाई जो है एथलेटिक शूज ज्यादा प्रेफर करते थे। वो बेसिक शूज भी पहनते थे, लेकिन बहुत ही कम आपको वो उनकी ज्यादातर फोटोज में एथलेटिक शूज और रनर्स पहने हुए दिखाई देंगे, जिनका की सोल थोड़ा सा हाई होता है, थोड़ा सा मोटा होता है, और उनका कलर सेलेक्शन भी बहुत ही ज्यादा अलग होता था। जहां पे हम लोग बेसिक कलर्स जैसे ब्लैक और व्हाइट कलर के शूज पहनना प्रेफर करते हैं, वहीं पे दानिश भाई जो है हाई कॉन्ट्रास्ट वाले कलर्स के शूज पहनना ज्यादा प्रेफर करते थे, जिसमें था रेड, नियॉन ग्रीन एंड ऑरेंज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यार, वो बेसिक शूज भी पहना करते थे, जिसमें कि व्हाइट स्नीकर्स वो पहनते थे, लेकिन बहुत ही कम। तो यार, इस लास्ट वाले पॉइंट में हम लोग बात कर लेते हैं दानिश भाई के सबसे इंपॉर्टेंट स्टाइलिंग सीक्रेट की, वो है उनकी ग्रूमिंग। यार, सब लोग को पता है कि दानिश भाई क्लीन शेवन लुक प्रेफर करते थे, और वो ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि उनकी पैची बियर्ड आती थी। कुछ लड़कियां होती हैं ना, जिनको कि बस बियर्ड का पागलपन रहता है, उनको पूछो कि आप बियर्ड वाले लड़के अच्छे लगते हैं या फिर क्लीन शेवन लड़के अच्छे लगते हैं, तो उनका जवाब होता है ऑलवेज बियर्ड का। यार, बियर्ड हो तो ही लड़का अच्छा लगता है, बियर्ड वाले लड़कों की बात ही अलग होती है यार, एकदम मतलब अट्रैक्टिव दिखते हैं वो, ऑलवेज बियर्ड वाला लड़का, यार ऑलवेज बियर्ड वाला लड़का, क्लीन शेवन लड़की वो थोड़े मजा नहीं आता उनको देख के। तो ऐसी मेंटालिटी रखने वाली लड़कियों को दानिश भाई ने ये समझाया कि भाई क्लीन शेवन एंड पैची बियर्ड वाले लड़के भी मजा सकते हैं। दानिश भाई का क्लीन शेवन लुक उन पे इतना जचता था कि इसी लुक की वजह से करोड़ों लड़कियां उनकी दीवानी हो गई थी, और इस वजह से ही क्लीन शेवन एंड पैची बियर्ड वाले लड़कों को हल्के में लिया जाना कम हुआ था हमारे समाज में। तो फ्रेंड्स, दानिश भाई के ग्रूमिंग की सबसे बड़ी स्पेशलिटी थी, या आप बोल सकते हो उनके फेस की इतना ज्यादा अट्रैक्टिव दिखने के पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन था, वो थे उनके आईब्रोज। गाइस, इतने ज्यादा परफेक्ट आईब्रोज मैंने किसी भी मेल मॉडल, किसी भी एक्टर के नहीं देखे। यार, दानिश भाई के आईब्रोज इतने परफेक्ट और एक्यूरेट दिखते थे, कसम से मजा ही आ जाता था। और जहां तक बात करें उनकी हेयर स्टाइल की और उनके हेयर कलर्स चेंज करने की, इनके बारे में तो आप लोग को सबको पता ही है। अगर किसी को पता है कि दानिश भाई ने कितने सारे हेयर कलर्स कराए थे नंबर्स में, तो कमेंट करके बता दो यार, मेरे को नहीं पता।
हमारी बाकी ऑडियंस को भी पता चलेगा। तो गाइस ये था दानिश भाई का सबसे बड़ा सीक्रेट ऑफ हिज ग्रूमिंग। तो यारों आज की वीडियो में हम लोगों ने दानिश भाई की स्टाइलिंग सीक्रेट्स और उनके तो यारों आज की वीडियो में हम लोगों ने दानिश भाई की स्टाइलिंग सीक्रेट्स और उनकी ग्रूमिंग सीक्रेट्स के बारे में बात की। आई होप कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिली होगी। गाइज मैं आपको लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि दानिश भाई बेशक इस दुनिया से चले गए हैं लेकिन वो हमारे दिलों से कभी भी नहीं जाएंगे, कोई भी हमारे दिल से उनको नहीं निकाल पाएगा। तो इतना ही था आज की वीडियो में। डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम बी स्टाइलिश बी कूल डूड्स।